I'm emotional. I feel very proud to be associated with Lavinia. Getting an opportunity to work for an organization where it was not just working as a just professional, but doing something for the masses. So the languages actually driven me to come here. We have done so much, we have traveled a long journey. So it feels very, very proud. जब आप आए थे तब आपको क्या लगा था वेब दुनिया को लेकर? उस वक्त तो इंटरनेट पोर्टल के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, खासतौर पे हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में। उस वक्त कुछ चंद अंग्रेजी के पोर्टल्स की धूम थी, याहू बहुत बड़ा था, गूगल तब नहीं आया था, इतना बड़ा नहीं था, रेडिफ जैसे कुछ पोर्टल थे, वो सोच ही नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। तो आपको एक प्रमुख के रूप में जब संस्था में आए थे कैसा लगा था? It was a great opportunity, considering the language penetration or the English penetration at that time being only 5% or 6%. We had a huge opportunity to do something, and big challenge on the technology front, as even languages were not supported by the technology platforms. So it was a challenge to do something whereby provide the content to masses in the format, in the form of internet, and do create the technology itself. So it was a great challenge, and which excited me to come here and work for Web Duniya, take up that challenge and do the things which can help our people, the citizens, to have the content on their languages on internet. वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आप अभी तक यहाँ तक रह पाए और बाकी सब लोग रास्ते में खत्म हो गए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था सेल्फ बिलीफ। पता है कि भारत में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अपनी लैंग्वेज ही ज़्यादा जानती है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। तो उस समय इंटरनेट की इतनी पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, तो काफ़ी लोगों को ये लगा कि इंटरनेट शायद लैंग्वेजेज में इतना प्रोग्रेस ना कर पाए, शायद इंडिया में इंटरनेट इतना पॉपुलर ना हो। पर आज हम देख सकते हैं हमारा पेशेंस और हमारा ये सोचना कि चलो जो भी हो हमें इसमें कंटिन्यू करना है, वो रंग ला रहा है। आज इंटरनेट पॉपुलेशन हैज मोर देन डबल्ड एंड द कंज्यूमर इज नॉट ओनली फ्रॉम द मेट्रो सिटीज, दे आर कमिंग मेजरली फ्रॉम द बी टाउन्स, सी टाउन्स, जहाँ पे लैंग्वेज इज अ मेजर रिक्वायरमेंट। और ये अपने लिए अच्छा ही हुआ कि हमने उसको कंटिन्यू किया और आज हम उसको सफलतापूर्वक देख सकते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स इतने बढ़ गए हैं, वेब दुनिया पोर्टल पर आते हैं इतने सारे। सेकेंड चीज जो हमने की थी, सिर्फ कंटेंट ही नहीं, हमने एक तो होता है कि अपना खुद का कंटेंट किया, दूसरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। तो लोकलाइजेशन के रूप में हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया कि सिर्फ कंटेंट ही हम अपने पोर्टल पर नहीं दे रहे हैं, जबकि बाकी क्या प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इंडियन लैंग्वेजेज में आ सकते हैं। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट आए, याहू का हो, गूगल का हो, ओरेकल का हो, SAP का हो, ये सब हमने किए लैंग्वेजेस में। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, यूजर्स को सिर्फ कंटेंट ही नहीं, एक टेक्नोलॉजी भी मिली लैंग्वेजेस में, जिसमें हम कहीं ना कहीं उसके पार्ट रहे। तो इन सब ने हमको हेल्प किया कि इस जर्नी में हम कहीं भटके नहीं और हमारी स्ट्रेंथ भी बनी रहे और हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहे। वो तकनीकी चुनौतियाँ जो आपने उस वक्त फेस की और उनसे कैसे आपने निपटे, जो बहुत सारे लोग फिगर आउट भी नहीं कर पा रहे? यूनिकोड तो बाद में आया, उसके बाद तो जीवन फिर भी काफी आसान हुआ, जैसे आज लोग फनेटिक में टाइप करते हैं गूगल पे जाके, लेकिन ये सोच वेब दुनिया ने शायद सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। करेक्ट, द ट्रांसलिटरेशन, फर्स्ट टाइम वी डिड द ट्रांसलिटरेशन। इनफैक्ट पहली बार ईमेल भी इंडियन लैंग्वेज में भेजी जा सकती है, ये ई पत्र के रूप में ही पता लगा था। ट्रांसलिटरेशन, फोनेटिक, कीबोर्ड क्रिएशन, ये सब करा। उसके बाद जो लैंग्वेज डिस्प्ले का था, कि एक चैलेंज ये था कि भाई फॉन्ट कंटेंट यूनिकोड था नहीं, फॉन्ट में डिस्प्ले करना है, पर लोगों की मशीन पर लैंग्वेज फॉन्ट नहीं थे, तो हमने EOT TFR के रूप में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, उसके थ्रू हमने कंटेंट लैंग्वेजेस में डिस्प्ले कराया, जिसमें यूज़र को फॉन्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी हमने फर्स्ट टाइम किया। उसके बाद धीरे धीरे जब यूनिकोड आ गया तो यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया, और यूनिकोड को भी पॉपुलर बनाने में हमारा एक विशेष योगदान रहा है। तो ये चैलेंजेस फेस करते रहे और उनको सॉल्व करते रहे, यही एक बड़ा चैलेंज था कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। कोई उस वक्त की ऐसी यादें हैं खट्टी मीठी, कोई दिलचस्प वाकया है कि
किसी समस्या से आप जूझ रहे थे और कुछ ऐसा हुआ जिसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी या कोई दिक्कत आई या टीम के साथ दफ्तर में रात को रह गए या कुछ ऐसे कोई वाकया आपको याद आ रहा हो? बहुत सारे हैं। शुरू में तो हर दिन का चैलेंज था, कभी किसी ब्राउजर पे कंटेंट नहीं चल रहा है या जो चीज हम पब्लिश करना चाहते हैं जितना फास्ट वो नहीं हो रही है। दिन में रात में पूरी की पूरी टीम, मैं अकेला ही नहीं, पूरी की पूरी टीम बड़े मेहनत से, प्रयासों से और दिल से काम करती थी, तो अच्छा लगता था। वो एक मेरे ख्याल से सारे मीठे अनुभव ही हैं, खट्टे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम जो हमने एग्जाम रिजल्ट्स किए थे तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग चैलेंज फॉर एवरीबडी, क्योंकि एग्जाम रिजल्ट जो किए थे वो यूपी के किए थे जहाँ स्टूडेंट्स लाखों में हैं। मेरे ख्याल से उस समय कुछ 18-20 लाख स्टूडेंट थे, कुछ उनका डेटा था हमारे पास जो हमको उपलब्ध कराना था। याद है उत्तर प्रदेश में हर साइबर कैफे वाला हमको थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उनका बिजनेस इससे काफ़ी बढ़ गया था। स्टूडेंट्स ने हमको बहुत थैंक यू बोला क्योंकि वो रिजल्ट देख पा रहे थे तुरंत और अपने सिर्फ अपनी ही मार्कशीट नहीं अपने साथियों के नंबर भी देख पा रहे थे, तो जो उनको बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था जिसका, और हमारे लिए भी एक्साइटमेंट था। बड़ी खुशी की बात थी कि हमने फर्स्ट बहुत सारी चीजें की जिसमें एग्जाम रिजल्ट्स इंटरनेट पर उपलब्ध कराना भी था। कुंभ भी किया था वेब दुनिया ने, बहुत बड़ी कुंभ किया, बहुत बड़ी बात थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने उत्तर प्रदेश से कुंभ की शुरुआत की, उसके बाद और भी कुंभ कवर किए, हमने वर्चुअल स्नान करवाए लोगों को, हमने वर्चुअल पूजाएं करवाई और आज भी करवाते हैं, लोगों ने इसकी बड़ी सराहना की है और आज भी लोग उसको उसको पसंद करते हैं। इनफैक्ट पहले तो लोगों ने जो दूर से आ नहीं सकते थे, डुबकी नहीं लगा सकते थे गंगा में, उन्होंने वर्चुअल डुबकी लगाई। उसके बाद जो पूजा करने के लिए है कि जिनके विदेशों में रहने वाले, देश में जिनको नहीं ये सुविधा उपलब्ध थी, वो इंटरनेट के थ्रू पूजा कर पाए और इससे ज्ञान भी बढ़ा काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं था। जो कुंभ के बारे में जैसे सुना तो सबने था कुंभ होता है, लेकिन कुंभ क्या है, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये जानकारी इंटरनेट के थ्रू जब हमने दी तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही लोगों के लिए। और वहाँ पर भी जो लोग बोलते भी हैं कुंभ में खो गए थे, तो उसके लिए हमने एक सुविधा उपलब्ध कराई थी कि जो लोग जिनसे नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोग घूम गए हैं उनका हमने इंटरनेट पर उपलब्ध करवाई इन्फॉर्मेशन। वहाँ अपने कियोस्क लगाए थे जो काफ़ी हेल्पफुल रहे लोगों को ढूंढने में, लोगों को मिलाने में। तो ओवरऑल इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, एक्साइटिंग, एंड वी फील प्राउड दैट वी वर द फर्स्ट टू कवर दैट। इंडिया का जो रिवोल्यूशन है कहाँ जा रहा है? डिजिटल शुरुआत तो जैसे हुई थी कि डेस्कटॉप पर है, लेकिन बीच में मोबाइल क्रांति आई। मोबाइल क्रांति से पहले तो मोबाइल सिर्फ एक ऐसे डिवाइस के रूप में देखा जाता था जिससे सिर्फ बातचीत हो सके, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए और एप्पल ने तो दुनिया चेंज कर दी, उसके बाद एंड्रॉयड ने दुनिया चेंज कर दी। तो कंटेंट जब ऑन द गो अवेलेबल होने लगा और लोगों के लिए बड़ी सुविधा जिसमें उनको कहीं बैठ के या कोई डेस्कटॉप खरीद के या लैपटॉप के थ्रू ही सिर्फ अवेलेबल हो ऐसा नहीं, तो जब वो मोबाइल पर अवेलेबल होने लगा, टैबलेट पर अवेलेबल होने लगा, तो इससे ग्रोथ काफ़ी काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगी। और आगे जाके देखें तो सारे स्मार्ट डिवाइसेस, भले ही वो फ़ोन हो, टैबलेट हो या टीवी हो, इंटरनेट टीवी हो या कोई छोटे छोटे डिवाइसेस हो, उन सब के थ्रू कंटेंट डिस्प्ले कराना और कंटेंट अवेलेबल कराना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर ही ये है। हर आदमी जिसको जब जरूरत पड़ती है कंटेंट उसी समय देखना चाहता है, चाहे वो टेक्सचुअल कंटेंट हो, वीडियो कंटेंट हो, क्योंकि वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें वेब दुनिया ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं, काफ़ी सारा वीडियो कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। तो फ्यूचर तो यही है कि सारा का सारा जो भी कंटेंट है वो हैंडल डिवाइसेस पर अवेलेबल हो, जो इजीली अवेलेबल हो, उनकी लैंग्वेज में अवेलेबल हो, क्योंकि मोबाइल से जो लैंग्वेज का पेनेट्रेशन बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है। पहले शायद बी और सी टाउन के यूज़र जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के कारण और उसका महंगा होना या फिर उसकी अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी के कारण जो टफ लगता था तो नहीं करते थे, लेकिन आज मोबाइल तो सबके हाथ में है और बहुत ईजी है, तो वो जब कॉन्टेंट देख पाते हैं बिना किसी तकलीफ के तो उसकी यूजेस बढ़ जाती है और उनकी रीच बढ़ जाती है, उनकी नॉलेज बढ़ जाती है, जो हमारे लिए भी अच्छा है। और ये अवेलेबल कराना है और करा ही रहे हैं, वेब दुनिया ने ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन की है, नया पोर्टल लॉन्च किया वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ,
तो वो टैबलेट पर और मोबाइल पर उसी शेप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब प्रयास हैं और सभी इसी तरफ जा रहे हैं और हमको भी जाना है और फ्यूचर तो हैंडल डिवाइसेस ही है। आई थिंक मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे यूजर्स को जो जो न सिर्फ वेब दुनिया पे आते हैं पर उन्होंने हमें जो फीडबैक दिए, प्रोत्साहन दिया, आज हम जो भी हैं उन्हीं के कारण है। और लैंग्वेज यूजर्स को जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, या उन्होंने कभी अपने को हीन भावना से नहीं देखा, हमेशा एक लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसमें प्राउड होना चाहिए। और हम लोग भी जो कर रहे हैं तो वही करते जा रहे हैं और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं एसोसिएटेड हूँ और इसको आगे ले जाना है, काफ़ी आगे ले जाने का है। और हमारा सबका बिलीफ यह है कि आज जो भी है इससे तो कई गुना आगे बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन भी, लैंग्वेज का यूजेस भी। और आज जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या जिन्होंने बाकी भी सभी बोल रहे हैं, हिंदी दिवस पर वेब दुनिया को पुरस्कार भी मिला है, तो लैंग्वेजेस का फोकस और फ्यूचर बहुत अच्छा है। हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगू, मलयालम, हम 7 भाषाओं में पोर्टल करते हैं, 12-14 भाषाओं में इंडियन लैंग्वेजेस में लोकलाइजेशन करते हैं, 40 से ज़्यादा भाषाओं विदेशी भाषाओं में लोकलाइजेशन करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड इट्स बीन 15 ईयर्स, फीलिंग प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू एंड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स दिस।